नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस मेथड टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने टॉपिक किया था फेरेडेला, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना था, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो फाई क्या था इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स था। अभी फ्लक्स क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अगर आप फाई को चेंज कर दोगे तो पक्की बात है इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। यहाँ पे भी चेंज इन फ्लक्स को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो सिंपल है। अभी पहला तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लीजिए। सिंपल पॉइंट डालिए, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डालिए, पहला पॉइंट डालिएगा बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज भी, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड। सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। देखो करंट की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं करंट फ्लो कर रहा है तो हम ये बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही गया, सीधी सी बात है। यस और नो, तो पक्की बात समझ, ईएमएफ तो हो नहीं है अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ। कई टॉपिक ऐसे हैं अभी क्लास जो आपके अभी सामने आएंगे, आप घर में यूज कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे वर्क करते हैं वो। ठीक है, पहला को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बी को बदलो, आंसर बदल जाएगा। यस और नो। अब सेकेंड पॉइंट, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाई चेंजिंग द एरिया, अब एरिया चेंज करके कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बाई चेंजिंग द एरिया भी हमारे पास एक, देखो फ्लक्स को चेंज करने का तरीका क्या है, बेस्ट फील्ड होना चाहिए भाई, एरिया होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, कोई तो मिलेगा चेंज करना। तो मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी लाइंस दिखाते हैं पक्की बात है यूनिफॉर्म तो होगा। यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि हर जगह पे फील्ड बी की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी अब की बार बी को सेम कर रखा है, मैं ए को चेंज करना चाहता हूँ, कर लोगे, बी चेंज होगा पक्की बात है। ये क्रॉस क्या दिखाता है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, इनवर्ड है भाई। डॉट देखा जाएगा, आउटवर्ड है भाई। एंड लाइन्स ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी, कर लोगे। इसमें कोई फ्रेम है भाई, मेटेलिक फ्रेम मान लेते हैं कि करंट उसमें बनेगा, कोई मेटेलिक फ्रेम है, इसको बाहर निकाल रहे हैं इस फील्ड से भी, या इसके फील्ड के अंदर डाल रहे हैं, यानी हम फील्ड में इसका एरिया चेंज कर रहे हैं अभी। ये अभी जो एरिया है ये फील्ड से बाहर है, इसको जो बाहर निकालेंगे लगातार इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या अंदर डालेंगे लगातार एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नहीं, एरिया बदल रहा है अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो चेक करेंगे क्या इसके अंदर करंट बना है या इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी है, बनी तो उसका वैल्यू कितना होगा अभी। तो सिंपल अभी इसको मैं ऐसा कर लेते हैं, इसका लेंथ एल ले लेता हूँ अभी, यहाँ पे लेंथ कितना है एल, ये फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये तो फिक्स है, ये क्या फिक्स है क्या, ये चेंज हो रही है अभी। ठीक है, इसको मैं एक्स ले लूँ, इट इज एक्स। ठीक है, तो इसको लगातार क्या हो रहा है, इसको बाहर निकाला जा रहा है अभी, तो एरिया में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा अभी। तो चेंज इन एरिया कितना होगा, निकाल सकते हैं कुछ, एक्स बदल रहा है, इसको डी एक्स ले सकते हो, सिंपल डी एक्स की जगह डी एक्स लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एरिया कितना, इसको बाहर निकाल रहे हैं तो एरिया कितना डिक्रीज हुआ, मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ भाई उस टाइम का, यानी लेंथ इनटू डी एक्स। यस और नो, एक्स मैं बता रहा हूँ ये फिक्स यहाँ पे रखा है इसलिए, अब लगातार एक्स क्या होगा, चेंज होगा, इसको डी एक्स ले लेता हूँ, लगातार चेंज कर रहा है। अगर इसको बाहर निकाल रहे हैं तो, अंदर डाल रहे हैं तब भी चेंज कर रहा है भाई एक्स। यस और नो, एक्स फिक्स नहीं है क्लास, एक्स कोई लेंथ नहीं है, ये सिर्फ वो है कि जहाँ तक एरिया है भाई फील्ड के अंदर। ये बाहर निकल जाएगा तो एक्स की वैल्यू घटेगी, अंदर जाएगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, एक्स चेंज हो रहा है अभी। यस सर नो, बुक में थोड़ा सा अजीब से दे रखा है, हम सिंपल पेम कराएंगे इस टॉपिक को, बिल्कुल कर लोगे। तो सिंपल है भाई, हमको बी चाहिए, मिल गया, एरिया चाहिए, मिल गया, एरिया कौन सा, चेंज इन एरिया, अभी एंगल यूज नहीं कर रहे। यस सर नो, वैसे कितना एंगल होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, एरिया ऐसे है, लाइन ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, फिर वही गलती कर रहे हैं, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये एंगल जीरो होगा या 180 होगा, दोनों में फर्क की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
एरिया के पर, पर, इसके लाइन ऐसे आ रही है, मतलब इसका फील्ड वेक्टर ऐसा ही होगा। yes, कौन सा एरिया वेक्टर? ये तो इसके लाइन में होगा या इसके उल्टा होगा, जीरो या 180 डिग्री? yes, दोनों में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होनी है। उसका एरिया का बोल दीजिए, एरिया कितना है, सॉरी एंगल कितना है, जीरो डिग्री। 180 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लोगे। लिख लीजिए, वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन, इन इनवर्ड डायरेक्शन। इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं, कर लोगे। एंड वी हैव ए मेटेलिक फ्रेम, वी हैव ए मेटेलिक फ्रेम ए बी सी डी विच मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मान लेते हैं इसको कि जो है आपका एरिया है, जो भी फ्रेम आपने यूज किया हुआ है, इसको बाहर निकाल रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, मर्जी हमारी भी, कर लो। इसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल रहे हैं तो एरिया चेंज होगा भाई, यस सर नो? तो चेंज इन एरिया कितना होगा? देखिए भाई, जब इसको बाहर निकालेंगे एरिया क्या करेगा, चेंज करेगा। तो चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया इट इज डी ए, इट इज एल इन टू एक्स वी विद माइनस साइन वी, ठीक है, एल इन टू एक्स विद माइनस साइन। माइनस क्या शो करता है कि आपका एरिया लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है अभी। तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 इज इक्वल टू बी इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो वी, कॉस जीरो 1 हो गया। तो फ्लक्स कितना हुआ, 5 इज इक्वल टू बी माइनस एल एक्स वी। फ्लक्स कितना हुआ, माइनस बी एल एक्स। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, यस और नो? तो इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, फाइव का वैल्यू कितना है भाई, माइनस बी एल एक्स, सही लिखा है, बी एल एक्स। कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, बी भी कॉन्स्टेंट है, एल भी कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ द आर्म, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, भी डी एक्स बाई डी टी, यस और नो? क्योंकि एक्स चेंज कर रहा है अभी लगातार, यस और नो? तो बड़ी डी एक्स बाई डी टी, भी ये स्पीड होगी, भी वेलोसिटी स्पीड मान लीजिए, क्या है ये स्पीड, इसको भी लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू कितना आया, बी एल वी, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन से हुई है ये। वी क्या होता है, डी एक्स वाई डी टी, क्या नाम है इसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर क्या लिख दो इसको, मोशनल ईएमएफ। कई बार डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, कुछ नहीं होता, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है भाई। हमने क्या कर रहा है, किसी बॉडी को चलाया है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें बना होगा, यस और नो? कर लोगे। दूसरी बात, कई बार पूछते हैं व्हाट इज द मोशनल करंट, भी कुछ नहीं करना, करंट क्या होता है, वी बाई आर, तो ई बाई आर लिख दो। व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस ऑफ द क्वाइल जो यूज कर रहे हैं, यस और नो? तो सिंपल है भाई, इट इज बी एल वी बाई आर, इट इज कॉल्ड मोशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको, मोशनल करंट या इंड्यूस्ड करंट, बोलो, एक ही बात है, यस और नो? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक रोड है 5 मीटर लंबी है, ऊपर से गिराई गई विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ पोल भी, ठीक है, तो कितना इंड्यूस्ड ही में बनेगा, बना लो, यस और नो? दूसरी बात,
एंगल को जीरो नहीं करना क्लास, मान लेते हैं एंगल को मेरे को वन नहीं करना, सुनिए एक बार, मान लेते हैं हमने एक रोड गिराई गई ऊपर से विच मेक एंगल 30 डिग्री विद नॉर्थ साउथ वे, अब निकालो कितना आंसर आएगा। तो भैया हमने एंगल को तो जानबूझ के वन किया था, ये ओस तो भी है यहाँ पे, फॉर्मूला क्या बनता है एक्चुअल में, इज इक्वल टू बी एल वी कोस थीटा भाई, ये तो जानबूझ के इसको जीरो या वन करा था हम लोगों ने, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक रोड गिराई गई विच मेक एंगल 30 डिग्री विद नॉर्थ साउथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होता है नॉर्थ साउथ में, भी कर लोगे विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मच इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रोड भी निकाल लो भाई, सब कुछ है, बी भी है, एल भी है, वी भी है और थीटा भी है भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? ये एंगल हमने जानबूझ के क्या किया हुआ है, यहाँ पे वन या जीरो किया हुआ है हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग भी। तो फॉर्मूले में क्या बनता है एक्चुअल में, इज इक्वल टू बी एल वी कोस थीटा, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, कर पाओगे? दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ या मोशनल करंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट भी, बाई चेंजिंग द एरिया वी कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, समझ में आई बात भाई? थर्ड पॉइंट आलिए, बाई चेंजिंग एंगल भी, सिंपल सी बात हो, अगर एंगल बदलेंगे तो फाइव बदलेगा भाई, फाइव बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, यस और नो? लिख लीजिए, व्हेन वी चेंज द एंगल किसके बीच का एंगल भाई, व्हेन वी चेंज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड भी, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस, सिंपल है भाई। अब ये क्या चीज है भाई, सर ने पढ़ा था हेडिकरण तक, क्या होता है अभी, व्हाट इज एडी करंट क्लास? अरे बहुत से करंट आ रहे हैं तो इस नोट में, तो ना कितने सारे आ गए अब तो, पहले सभी एक ही हैं, एसी सभी का नाम एक ही है एसी भाई, ठीक है वो भी देंगे फोर्थ बी में बताएंगे, डायरेक्ट इट इज कॉल्ड एसी भी। ये एडी करंट क्या है, सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया और क्या बन गया, करंट बन गया, इट इज कॉल्ड एडी करंट। फर्क क्या रहेगा इंड्यूस करंट में भाई, कोई फर्क नहीं है, इंड्यूस करंट को एडी करंट बोलते हैं। तो टॉपिक क्यों बना रखा है, इंड्यूस करंट कॉइल के लिए होता है अभी, और ये कंप्लीट बॉडी के लिए होता है अभी। अगर किसी बल्क बॉडी में करंट बना लेते हैं हम लोग, इट इज कॉल्ड एडी करंट, क्या बोलते हैं इसको, एडी करंट। वायर बना लेते हैं, इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, समझ में आया? Yes. अब क्वेश्चन देखिए भाई, आपके घरों में इंडक्शन चूल्हा होता है, सुना होगा? Yes. वो एक्चुअली टॉपिक पे काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे भी, नेक्स्ट टॉपिक वही है भाई, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होते हैं, लेकिन काम कैसे करता है, आपके पतीले की सिर्फ बेस गर्म होता है अभी, ऐसा क्या कर दिया चूल्हे ने भी, सिर्फ बेस गर्म हो, आप कोई बोल देगा उसमें माइक्रोवेव, ऐसा कुछ नहीं है भाई, 1200 रुपये में कोई माइक्रोवेव नहीं देगा आपको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो सिंपल क्या यूज कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन को यूज कर रहा है, वहाँ पे क्या वो चूल्हा क्या करता है, उसके अंदर बहुत सी कॉइल लगी होती है, अंदर देखना खोल के उसको, और लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है अपना, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या होता है, जो पतीला नहीं है उसके नीचे एक करंट बन जाता है, इट इज कॉल्ड एडी करंट, और पतीले का रेजिस्टेंस की वजह से नीचे बेस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट भी, सिंपल एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी, कि हीटिंग के लिए एक चीज रिस्पॉन्सिबल है और रेजिस्टेंस भाई, कर लोगे? Yes. तो उस बेस के अंदर क्या बन जाता है, एडी करंट बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है, जब आप बेस पे उंगली रखोगे क्या आपको करंट लगेगा भाई? Yes. तो ऐसा क्या खास है उस करंट में भी जो बनता है, समझ में आया? कुछ तो खास होगा भी। वही तो करंट बता रहे हैं, इट इज एडी करंट, समझ में आई कि नहीं आई? वही है जो आपके पतीला गर्म करता है अभी, उसके अलावा कहीं पतीला गर्म नहीं मिलेगा आपको बेस के अलावा भी।
समझ में आया? और एक फ्लैट बेस ही यूज होता है उसके ऊपर, बाकी बेस ऐसे वाले बेस यूज नहीं करेंगे, कर पाएगा वो, उसमें बन नहीं पाएगा, क्योंकि एडिक्रेट की कुछ खास डायरेक्शन भी होनी चाहिए फिर तो चलने के लिए भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अभी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास अगेन बोल रहा हूँ। लिखो क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ इंड्यूस्ड करंट विच प्रोड्यूस इन ए बल्क बॉडी by changing the magnetic flux. ओके, ठीक है। एडी करंट को बुक वाले कैसे लिखता है, सिंबलिक फॉर्म आई से ही लिखता है, ये भी आई भी एडी करंट सिंपल आई भाई, कुछ नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, यस और नो? अरे उमजला है ये, जानबूझ लिख रहा हूँ मैं, बड़े अक्षर हुई बल लगा कि उमजला है तो पढ़ा रहे हम लोग अभी भी, ये वी वाई आर है भाई, यस और नो? तो आई इज इक्वल टू व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसको लिखता हूँ माइनस डी फाइव बाई डी टी बाई आर वे, दिस इज द फार्मूला ऑफ एडी करंट। कुछ है इसमें चेंज, ये हम पहले मौसम पे फॉलो कर चुके हम लोग, क्या था बी एल वी बाई आर, वही है इंड्यूस्ड एडी करंट, कर लोगे? ठीक है, अब ये है कि इसको बताएं कैसे कि करंट बनता है कि नहीं बनता भी। अब पक्की बात इंड्यूस्ड है तो ऐसे बनेंगे कि अपनी प्रोडक्शन को क्या करेंगे, अपोज भी करेंगे। इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था भी, लिख लीजिए एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन भी। देखिए क्लास जल्दी से देखो, कोई बड़े टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। एक होलो पाइप यूज किया गया प्लास्टिक का, ऐसे मटेरियल का जो मैग्नेटिक मटेरियल ना हो भाई, ओके, क्योंकि हैं। और इस पर हमने हम लोगों ने वायर को वाउंड कर दिया भाई, वायर रिपेट दी इसके ऊपर, सही है। और इस वायर को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया विद ए की, ओके। और इस पाइप देखा ना, सिंपल पाइप है भी, उस पाइप के ऊपर मैंने रख दिया क्वाइन भी, सिक्का रख दिया यहाँ पे, क्वाइन देख जानते होगे, एक 5 रुपए का सिक्का रख दिया इसके ऊपर, 5 रुपए का एक बल्क बॉडी है, वायर नहीं है अभी, यस सर नो? तो उसमें अगर आपने करंट बना लिया, पता कैसे लगेगा उसमें करंट बन चुका है, यस सर नो? ये बात करनी है मेरे को, पता क्या उसमें करंट बनाए कि नहीं बना भी, वायर में तो बना लिया हम लोगों ने, जी जोड़ दिया, यस, इसमें क्या पता लगेगा बल्क करंट बना। देखिए अभी क्लास, क्वाइन है, क्वाइन को रखा गया ऐसे भी, ये क्वाइल डाली गई हैं, अगर मैं करंट फ्लो करवा दूँ करंट ऐसे फ्लो करेगा, कैसे इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसे मैंने वायर को बाउंड कर रखा है, तो मेरे लिए क्या ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, यस और नो? करंट चेंज हो रहा भाई, क्योंकि पता है आपको डीसी बदलेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए जाएगा, तो करंट बदलता हुआ जाएगा भाई, करंट बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदला तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, यस और नो? चाहे वैसे कुछ टाइम के लिए हो बदलेगा तो, यानी इसमें पक्की बात इंड्यूस्ड में बनेगी या करंट बनेगा। अब ये जो ये मान लेते हैं मैंने ऐसे लपेटा हुआ है, मेरे लिए ये इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस भी, तो मेरे लिए एंटी क्लॉक में करंट फ्लो करेगा भाई, अगर एंटी क्लॉक में करंट फ्लो किया तो कौन सा पोल बनना है, नॉर्थ बनना है कि साउथ बनना है? नॉर्थ पोल बनेगा बाई क्लॉक फेज रूल भाई, तो ये वाला क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, यस और नो? इसका फील्ड ये क्योंकि ऊपर रखा गया क्वाइन को, तो इसमें भी फील्ड बदलेगा, इसमें भी करंट बनना चाहिए, देखना तो वही है किस तरह से बनना चाहिए, वो इस तरह से बनना चाहिए कि अपनी प्रोडक्शन को क्या करे, अपोज भी करे, यस और नो? तो नॉर्थ को अपोज कौन कर सकता है, नॉर्थ ही कर सकता है भाई, यस और नो? तो क्वाइन का बेस में करंट कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसका क्वाइन का ये बेस भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, इंस्टेंटली क्वाइन क्या करेगा, जंप करेगा हवा में, नीचे गिर जाएगा भी, यस और नो? तो पता लगा कि इसमें करंट बन चुका था भाई, वो इस तरह से बन चुका था कि इस नॉर्थ को बनने से रोक रहा था भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्वाइन क्या करेगा, जंप करेगा, और कहाँ करेगा, नीचे गिरेगा, क्वाइन में क्या हो चुका था, करंट बन चुका था भाई।
कर पाओगे? यस सर। तो सिंपली कीजिएगा, वी हैव ए होलो सिलेंडर, वी हैव ए होलो सिलेंडर ऑन विच कंडक्टिंग वायर आर वाउंडेड, कंडक्टिंग वायर आर वाउंडेड विच आर कनेक्टेड विद, या विच इज लिखिए, विच इज कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर, विच इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एंड ए की, ए बैटरी एंड ए की, सही है। आगे लिखिए, ए मेटेलिक क्वाइन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द, ए मेटेलिक क्वाइन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर, टॉप ऑफ द सिलेंडर, कर लोगे। आगे लिखिए, when key is closed then current change from minimum to maximum value, current change from minimum to maximum value and induced EMF is produced, मैंने क्या लिखवा था भाई, करंट चेंज फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड। ओके, देखो भाई कुछ तो होगा, ये तो यह नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा भाई, क्लस यस और नो, एक मान लेते हैं ये इसका अपर फेस क्या बन गया नॉर्थ, तो क्वाइन का लोअर फेस भी क्या बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा भाई, यस और नो। तो लिख लीजिए, लेट अपर फेस ऑफ द सिलेंडर बिकेम नॉर्थ पोल, लोअर फेस ऑफ द क्वाइन बिकेम नॉर्थ पोल, लोअर फेस ऑफ द क्वाइन बिकेम नॉर्थ पोल। खासियत है इस करंट की भाई, क्या खासियत है, अपनी ही प्रोडक्शन को अपोज करता है अभी, यस और नो, कर लोगे। लोअर फेस ऑफ द क्वाइन बिकेम नॉर्थ पोल एंड क्वाइन जंप इनटू एयर। ये बात आपको बता रही है कि क्वाइन में करंट बन चुका था भाई, लोअर फेस में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा होगा तो ऊपर वाले में किस में है, क्लॉकवाइज में फ्लो कर रहा होगा, यानी क्वाइन में करंट कैसे फ्लो कर गया, ये क्वाइन था, करंट ऐसे फ्लो गया भाई, कमाल की बात नहीं है भाई। वायर में कैसे फ्लो करता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वायर के। ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ एडी करंट, देखिए सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया भाई, इन्होंने क्या किया, एक सीट लिया, मेटेलिक सीट्स, और उसको धागे से बांध दिया भाई, ठीक है, एक मेटेलिक सीट लिया गया और उसको धागे से बांध दिया गया, उसको घुमाया गया भी, तो काफ़ी देर तक घूमती रहेगी, यस और नो, सिंपल, अभी कुछ तो अलग नहीं है, एक सिंपल मेटेलिक सीट था, धागे से बांधी गई है, हवा में लटकाया गया इसको और उसको घुमाया गया भी, तो घूमती रहेगी। फिर उन्होंने क्या किया, इस सीट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया भी। ओके, कुछ छोटी को रजिस्टर आपका, ये सीट्स ऐसे घूम रही है, पहले घूम रही थी, अचानक से क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये अचानक रुक गई भी एकदम से, ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब ये सीट्स है जब घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में, अपने एरिया चेंज कर रही है अभी, और एरिया चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनती है अभी, जो कि पूरी सीट में बननी है क्योंकि मेटेलिक है अभी, आपकी वायर नहीं है तो एडी करंट होगा, यस सर, जो करंट बनेगा वो क्या आंसर होगा, एडी करंट। और करंट इंड्यूस करंट की खासियत यही है कि अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है, अपोज भी करता है। ये करंट किसकी वजह से बना है, इसके घूमने की वजह से बना है, तो ये घूमने को रोकेगा भी, यस और नो। इमेजिन करो ये सीट ऐसे घूम रही है और ये रुक गई एकदम से, मतलब क्या इस बात का भी, कैसे रुक गया ये, मतलब ये नॉर्थ की तरफ कौन सा आया होगा, साउथ आया होगा रोकने के लिए, यस और नो।
और साउथ की तरफ कौन आया होगा? नॉर्थ। नहीं तो धक्का मार देगा भाई वो तो ऑफिस को, फिर घुमा देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जब घूम रहा था तो एकदम से क्या हो गया, रुक गया एक कॉइल, मतलब ये सीट रुक गई। मतलब क्या था, इसको इसने खींच लिया अभी अपनी तरफ और इसने इसको खींच लिया तो उसी टाइम रुक गया ये। मतलब यहाँ पे अगर ये नॉर्थ है, यहाँ पे क्या बनना है साउथ, तो इस फेज में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। इस फेज में क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें इस तरफ से अगर देखा जाऊँ, ऐसे बना के देखूँ इसको मैं, ये फेज इस तरफ है तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बताइए मेरे को? ये साउथ पोल बनेगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरफ कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो करंट देखो, करंट शेप के अकॉर्डिंग बन रहा है। अभी पहले सर्कल था तो करंट क्या बन गया? सर्कल बन गया। अभी ये स्क्वेयर फॉर्म में डाल रहा हूँ मैं या रेक्टेंगुलर फॉर्म में डाल रहा हूँ तो रेक्टेंगुलर करंट बन गया। इसको कट कर दूँ तो ऐसे कट कर दिया मैंने इस शेप को, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी भाई उसी टाइम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो एडी करंट बन रहा था बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग बन रहा था भाई, ठीक है? समझ लिखिए अभी, वी हैव ए मेटेलिक सीट ए बी सी डी, वी हैव ए मेटेलिक सीट ए बी सी डी विच इज कनेक्टेड विद ए स्ट्रिंग, which is connected, लिखिए, which is suspended by a string, which is suspended by a string and rotate about its own axis। अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है? ये रोटेट कर रही है अभी। ओके, हमने क्या कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया अभी, लिख लीजिए। देन वी अप्लाइड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड इट स्टॉप्ड इमीडिएटली। भी इट कौन है? सीट जो घूम रही है। इट स्टॉप्ड इमीडिएटली, ऐसा क्यों हुआ? लिख लीजिए, द फेस नियर टू द नॉर्थ पोल, नियर मान लीजिए, टुवर्ड्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द फेस नियर टू द नॉर्थ पोल बिकेम साउथ पोल। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? द फेस नियर टू द नॉर्थ पोल बिकेम साउथ पोल। उसका जो फेस था जो नॉर्थ पोल की तरफ था, वो क्या बन गया? साउथ बन गया होगा भी। यस और नो? तो रुक सकता है ये, मतलब उसमें करंट कैसे फ्लो किया होगा भाई? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो दूसरे वाला फेस क्या बनना है? पक्का है, इट इज नॉर्थ पोल। कर लोगे? सो करंट इज इंड्यूस्ड इन द सीट बाय चेंजिंग द एरिया। ये करंट कौन सा भाई? इट इज एडी करंट, क्योंकि पूरी बॉडी में बन रहा है। समझ में आई बात? यस सर नो? अगर आपके घरों में कोई बर्तन ऐसा आ जाए जो चकोर शेप में है, तब भी रखा इंडक्शन चूल्हे पे, तब भी गर्म होगा वो। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? स्क्वायर फॉर्म में। वो डिपेंड करता है नॉर्थ बनेगा कि साउथ बनेगा। वो अपने आप को अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने आप को चेंज कर देता है। नीचे वाला फील्ड है, अगर आप उसको ढंग से देखो ना, अंदर खोल के देखिए, तो उसमें बहुत से कॉइल्स लगी हुई हैं, ऐसे भी मैग्नेटिक कॉइल्स। और एक सिस्टम लगा रखा उन्होंने, चिप सिस्टम लगा रखा है कि बार बार उसको क्या करते हो, करंट को घटाए बढ़ाए हुए उस कॉइल के अंदर, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार क्या हो, चेंज हो। कितने बच्चों के पास वो घरों में है इंडक्शन चूल्हा है? बॉयज़ भी देखा होगा, उसमें एक मोड भी होता है, मिल्क मोड भी। नए वाले में, पुराने वाले में नहीं मिलता, मिल्क मोड मिलेगा। उसमें डाल लेना, उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होता, निकलता नहीं। मतलब उसको ढंग से देखना, उसको दौड़क साथ खड़ा हो गए, एक बार करंट आया फिर वापस बंद हो गया, फिर करंट आया वापस, तो दूध को उफान दे रहा होता वो। अगर उसको बॉइलिंग पर डाल दोगे, वाटर पर डाल दो, लगातार बॉइल करेगा, बाहर निकल जाएगा दूध आपका भी। ऑब्जर्व कर लेना इस चीज़ को, यानी वो पूरा जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर रहा है अभी। एक बार लगा गया कि चूल्हा ऑन हो गया है, दूध निकल रहा है, फिर बंद हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर एक ऑन हो गया, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो
एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट भी इट इज यूज्ड टू डिजाइन डेड बीट, डेड लिख दोगे मरा हुआ, डेड बीट गैल्वेनोमीटर. इट इज यूज्ड टू डिजाइन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर. अब ये क्या चीज होती है? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग है, इसका स्पेशल नाम है बुक के अंदर. इसका मतलब क्या है भाई इस पॉइंट का? आपके घरों में एमीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है, आपने देखा होगा फ्रीज की वोल्टेज पे वोल्ट मीटर लिखा होता है. यस सर नो. और एमीटर आपने देखा होगा वो समर्सिबल की मोटर में, वो डिवाइसेस में एमीटर लगा होता है. जिन्होंने नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों ही डिवाइस डिजाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर्स भी. यूनिट नंबर 3 में पढ़ाए गए थे आपको एमीटर को कैसे बदलाया गया था. सो जी गो इन एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर. आपने ये भी पढ़ा होगा मॉडर्न टाइप गैल्वेनोमीटर के अंदर एक ऐसी नीडल्स होती है जिसके ऊपर एक कॉयल के ऊपर प्लेस्ड होती है, इसमें से वायर हैं और यहाँ पे स्प्रिंगर, यहाँ पे भी स्प्रिंगर भी, ऐसा स्प्रिंग सिस्टम है उसका भी. करंट फ्लो करने से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी. यस सर नो. सेम आपके वहाँ पे भी होते हैं, वोल्टमीटर में भी होते हैं ऐसे डिवाइस. वो नहीं है मूविंग कॉयल, नहीं है कि मिरर लगा के हम रीडिंग चेक कर रहे हैं उसकी, ये मॉडर्न वाले हैं सारे. ठीक है, इसमें स्प्रिंग सिस्टम होता है अभी कि जब कोई करंट फ्लो करे तो दिखाए करंट जाने को स्प्रिंग को उसको वापस ले आए उसी पॉइंट के ऊपर. अगर आपने इमेजिन किया होगा स्प्रिंग के साथ भी, एक ही स्प्रिंग से बांध दो ऐसे और उसको हिलाना शुरू करो तो हिलती रहेगी ऐसे. इट डज नॉट गिव प्रॉपर रीडिंग्स भी, समझ में आ रहा है? वो प्रॉपर रीडिंग दे नहीं सकता भी. हमको रीडिंग्स ये 5 के 4-5 के बीच में मिलता रहेगा ऐसे, समझ में आए? दिस डिवाइस इज नॉट डेड बीट भी. डेड बीट होता है एक्चुअल में रीडिंग मिले भी, हिले ना बिल्कुल, मरा हुआ रीडिंग्स जहाँ पे है वहीं पे भी. तो क्या करते हैं लोग, जो नीडल्स होती है डिवाइसेस की वो बनाते हैं मेटेलिक की भी. पहले नीडल्स बनाती प्लास्टिक की भी, लेकिन आप किसकी बनाते हैं? ये मेटेलिक नीडल्स बनाते हैं. जब नीडल हिलने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा हुआ है, क्यों की हमने देखी होगी उसकी, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा होता है. जब वो हिलने की कोशिश करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसमें क्या बन जाता है उसी टाइम? एडी करंट बन जाता है. एडी करंट क्या करता है? अपनी प्रोडक्शन को क्या करता है? बोझ भी करता है. उसी टाइम इंस्टेंटली क्या हो जाएगा? उसी टाइम रुक जाएगी भी. तो क्या मिलेगी मेरे को? एग्जिट रीडिंग मिलेगी, समझ में आया? तो एडी करंट को यूज किया जाता है टू डिजाइन द डेड बीट गैल्वेनोमीटर, या एमीटर या वोल्ट मीटर, आपकी मर्जी है. अभी कर लोगे उसमें सुई हिलेगी नहीं, बिल्कुल एग्जिट आंसर मिलेगा अभी, वो ऐसे नहीं वाइब्रेट करेगी वहाँ पे, समझ में आया? क्योंकि जो नीडल्स बनती है वो किसकी होती है? मेटेलिक होती है. और वो फील्ड में हिलेगी तो उसमें क्या बनेगा? एडी करंट बन देगा. और उसी टाइम क्या कर देगा? वो अपनी प्रोडक्शन को पॉज कर देगा. कर लोगे? पॉइंट है इंडक्स फर्नेस वे, और आप इसको बोलते हैं इंडक्स फर्नेस वे. मैग्नेटिक फील्ड करके चीज़ों को गर्म किया जाता है इस भट्टी के अंदर में. कोई हीटिंग नहीं करते, कोई चीज़ें जलाते नहीं हम लोग, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर. जिसको भी, जिस बॉडी पार्ट को भी गर्म करना है, मेटेलिक बॉडी पार्ट को, उसको उसमें घुमा देते हैं. इससे क्या होगा? उसके अंदर एक इंड्यूस करंट बन जाता है. ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी इट बिकेम रेड हॉट. In index furnace, we can heat, या heat ही लिखेंगे इसको, heat the metallic bodies by changing the magnetic flux. Third point the class, magnetic brake. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर्स होती हैं या मेट्रो जिसमें से आप बोल रहे हो, उसमें व्हील्स होते हैं. उसके अंदर क्या सिस्टम आता है अभी? देखिए, ये आपका रिम है पहिया का भी. रिम देखा होगा, व्हील देखा है कि नहीं देखा? ट्रेन में देखना है कैसा है, स्पोक्स लगे होते हैं स्क्वायर, कुछ सिंपल पूरा व्हील होता है, क्लोज्ड व्हील. तो ये हमें बीच में कुछ सिस्टम होता है उनके, यहीं पर होता है ब्रेकिंग सिस्टम आपकी गाड़ी का भी, कार का भी, बाइक्स का भी, साइकिल की तरह यहाँ पर नहीं होता अभी, यहाँ पर होता है, अंदर होता है. ठीक है, अब वो सिस्टम नहीं है कि आप हाथ दबा के ट्रेन को रोक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मास है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से चल रही है ट्रेन, इसको रोक नहीं सकते हम लोग ऐसे. हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत कम यूज़ की जाती है वहाँ पे, बाय चांस प्रेशर ना बने तो नहीं रुकेगी वो. ठीक है, तो क्या होता है? देखिए, इस व्हील्स के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी मैग्नेट जो करंट से ही बनती है, सीधी सी बात है.
कर लोगे। जब इसको रोकना होता है व्हील्स को, तो क्या करता है ड्राइवर, करंट ऑन कर देता है। करंट ऑन करते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और व्हील घूम रहा है, ड्यू टू चेंजिंग द एरियाज इंड्यूस करंट बन जाएगा उस टाइम व्हील्स के अंदर। वो कौन सा करंट है? एडी करंट। वो करंट की खासियत क्या है? अपनी प्रोडक्शन का पोज करता है भाई। तो व्हील्स की बना किससे है? मोशन से बना है। तो अपनी मोशन को क्या कर दे उसी टाइम अपोज कर दे, इंस्टेंटली गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ब्रेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख लीजिए, एडी करंट इज यूज टू डिजाइन, लिखवाऊंगा नहीं कैसे बनना है, समझ, सिंपल बताएंगे पॉइंट इसको। एडी करंट इज यूज टू डिजाइन मैग्नेटिक ब्रेक्स भी। एडी करंट इज यूज टू डिजाइन मैग्नेटिक ब्रेक्स। समझ में आया कि नहीं आया? प्रोसेस सेम है सभी में भी, ओके। अपनी प्रोडक्शन क्या करवाना है? अपोज करवाना है। कर लोगे भाई? आगे लिखिए इसी में, फोर्थ पॉइंट डाल सकते हो। एडी करंट इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर भी। एडी करंट इज यूज्ड इन इंडक्शन मोटर। मोटर के लिख लीजिए नेक्स्ट, इट इज यूज्ड इन स्पीडोमीटर भी। इट इज